चलिए बियो क्यूबिड कैसे बने। बियो क्यूबिड में कुछ चेंजेस हो चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल बिड, सर्विस बिड, बंच सर्विस और सर्विस बंच बिड में, और चारों में क्या डिफरेंस होता है वो भी बताया। बिड टू अरे लाइव तो नहीं हुआ, पर मैंने आपको बिड टू लाइव अरे का प्रोसेस पूरा तरीके से अभी तक बताया। पहले बियो क्यूबिड का प्रोसेस अलग था, तभी हमको एक्सेल का फाइल डाउनलोड करना पड़ता था और एक्सेल का फाइल अपलोड करना पड़ता। अभी BOQ बिड में वो प्रॉब्लम निकाल दिया गया। इसके पीछे में क्या हो रहा था, उस टाइम पे काफी सेटिंग हो रहा था। BOQ में कोई एक्सेल का फाइल को लॉक कर देता था वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रॉब्लम आ गई। इसलिए उन लोगों ने जेम ने वो सिस्टम ही निकाल दिया और अभी जो नॉर्मल प्रोडक्ट का बिड जैसे हम लोगों ने अभी देखा, सेम BOQ बिड को बना दिया। जैसे सर का एक BOQ बिड है जो हम लोग अभी देखने वाले थे, वही सर का ही एक टेंडर हम लोग भरते। ये वाला सर नहीं, ये तो सर्विसेज वाला, ये नहीं, हाँ ये वाला है ना, ये BOQ बिड है। कैसे पता चला अपने को, क्योंकि यहाँ पे BOQ लिखा है, तो ये BOQ बिड। ये बिड कहाँ मिलेगा मुझे सर्च करने से बताओ, ये टेंडर कहाँ पर मिलेगा, ये टेंडर आईडी है, ये टेंडर मुझे कहाँ पे मिलेगा सर? डायरेक्ट डाल दिया बिड आईडी में तो मिल जाता है। कहाँ पे, यहाँ डाल दू मिलेगा? पहले ऑप्शन में, हाँ सर बिड आ रहे में, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं मिलेगा, नो टेंडर फाउंड बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल कैटेगरी में दो तीन टेंडर है, एक नहीं है, दो तीन है। तो ये टेंडर कहाँ मिलेगा, ऑडिट का टेंडर है BOQ में, तो ये बंच बिड का पार्ट, क्योंकि एक से ज्यादा है तो बंच बिड, तो टेंडर आपको यहां मिलेगा। समझ में आया? मिला? दूसरा आप कहीं सर्च करोगे? नहीं, सर्च करने का तरीका बताओ मुझे, तो टेंडर देख के आपको पता करना पड़ेगा कहाँ पे मिलेगा, वहीं पर सर्च करो डायरेक्ट मिलेगा। BOQ बिड हो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट होगा, आपको बंच बिड टेंडर में पार्टिसिपेट करना है। रही बात कुछ लोग माई रिप्रेजेंटेशन, देखो मैं बात कर रहा था, ये माई रिप्रेजेंटेशन आई थिंक अलीसा मैडम का क्वेरी थी, तो जैसे आपकी कुछ क्वेरी थी, आपको कुछ बायर को डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, पर इसका डेट खत्म हो चुका है। कब तक डाल सकते हो? 4 दिन के अंदर। कुछ भी बायर को क्वेरी डालना है तो 4 दिन, 11 तारीख को पब्लिश हुआ है, 15 तारीख तक आप डाल सकते, ठीक है मैडम? आप बायर को कुछ पूछना चाहते हैं वगैरह तो यहाँ से मिलता है, पर टेंडर पब्लिश के 4 दिन के अंदर डालना है। मैं आगे चाहे तो आपको कोई टेंडर में रिप्रेजेंटेशन डाल के भी दिखाऊंगा। तो ये BOQ टेंडर है, तो मुझे BOQ टेंडर में क्या होता है, मुझे कोई कैटलॉग बनाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट बोल सकते। कैसे भरेंगे? पार्टिसिपेट, देखो 3 आइटम है, पार्टिसिपेटेड, मेक कौन से कंपनी का दे रहे हो, कोई मॉडल है, HSN कोड है, मैंडेटरी नहीं है, छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, है पर्टिकुलर कोई मॉडल या दे रहे हो तो आप यहाँ पे डाल दो। सेम सेकेंड यही वाला भी सेम, यदि आप कोई दे रहे हो तो डालो, नहीं तो इसको छोड़। थर्ड ऑप्शन टीवी, कौन सा ब्रांड का दे रहे हो, ऑफर कौन सा ब्रांड के कर रहे हो, LG, MI, कौन सा, पैनासोनिक, सोनी, सैमसंग। अभी ठीक है, मुझे ऐसा कोई मेडल यहाँ पे मेंशन नहीं करना, तो मैंडेटरी नहीं है तो डालो, नहीं तो छोड़ सकते। हो गया, तीनों आइटम हम लोगों ने डाल दिया, कैटलॉग मेरा बन गया, इसको करो कंटिन्यू। अभी तीनों का रेट, कचरा गाड़ी ये मुझे टोटल 5.5 लाख रुपए मान लो मैं ऑफर कर, वाटर ये मुझे 80,000 में दे सकते, टीवी 50,000, हो गया 6,80,000 में टेंडर को कोट कर। इसको करेंगे इनक्रिप्ट एंड सेव, जैसे पहले प्रोसेस में हम लोगों ने किया था। अभी तक वही डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स का पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने बता दिया है आप लोगों को, कैसा बनाना है, कैसा सभी चीजें, पूरा डॉक्यूमेंट्स का पार्ट मैंने अभी तक आप लोगों को दिया। सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आएगा, कंप्लायंस ऑफ BOQ डॉक्यूमेंट्स, क्यों, क्योंकि ये टेंडर BOQ टेंडर, इसमें कोई कैटलॉग हम लोगों ने बनाया नहीं, तो यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स आएगा, तो यहाँ पे आप कौन से कंपनी का भी टीवी दे रहे हो, क्या स्पेसिफिकेशन है,
एमआई का टीवी दे रहे हो, कितने इंच का है, रैम कितना है, स्मार्ट टीवी है क्या, इसका पूरा आपको एक पीडीएफ बनाना पड़ेगा पूरे स्पेसिफिकेशन का, और वो पूरा स्पेसिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये आपको कंप्लायंस ऑफ योग, जो जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो सबका कैटलॉग का पीडीएफ आप यहाँ पे अपलोड करो, ये यहाँ पे अपलोड। सचिन सर, सर जो ये डॉक्यूमेंट्स मांगे, इनने एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, पास्ट परफॉर्मेंस, सर इनमें हमें डालना क्या है, एक बार एक्सप्लेन करते हैं। एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस डालना है, इससे पहले आपने एक्सपीरियंस में डालेंगे क्या, पुराने ऑर्डर्स, पुराने ऑर्डर्स का इनवॉइस। हाँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो पुराने ऑर्डर कॉपी और साथ में इनवॉइस का, वर्क ऑर्डर कॉपी प्लस इनवॉइस। ओके, और सर ये बिट टर्नओवर में आईटीआर या फिर सीएसए आईटीआर का सर्टिफिकेट। आईटीआर तो सर 2 साल से ज्यादा एज नहीं है कंपनी की, तो नहीं है, नहीं है तो फिर आप इस टेंडर में एलिजिबल नहीं हो फिर। मैंने आप लोगों को ये बात ऑलरेडी मैंने क्लियर किया था कि डॉक्यूमेंट यदि इसमें से कोई भी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, फिर ये टेंडर आपके लिए नहीं है। जो बोलेगा वो होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने समझा दिया है। अभी देखो इसमें मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट मांगा था, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, व्यू डिटेल्स यहाँ पे एने 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 आता जा रहा है, ये आपका मेक इन इंडिया के तहत होना चाहिए। ओके, यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट, अपलोड करेंगे, सेम ईएमडी वेरीफाई विद ओटीपी, आपका टेंडर सबमिट हो जाए। मेक इन इंडिया का भी ऑलरेडी आप लोगों को बताया मैं। तो ये बीओक्यू बिड भरने का प्रोसेस, और एक बच गया अपना कस्टम बिड, जो हम लोग कल के क्लास में कवर करेंगे। सब बिड को भरने का प्रोसेस थोड़ा बदल गया, हर एक अलग अलग, ये आपको समझना पड़ेगा, बिड समझना पड़ेगा कैसा बिड है और उसके हिसाब से आपको वैसा टेंडर भरना पड़ेगा। ये ई प्रोक्योरमेंट जैसा बिल्कुल नहीं है, सब टेंडर के प्रोसेस थोड़े अलग है यहाँ।